हाय वॉलंटियर्स, वेलकम टू अवर न्यू बायोलॉजी सेशन। सो गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट वाला जो हम चैप्टर कर रहे थे उसके लास्ट के तीन टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक है, एक ही वीडियो में वो पूरे हो जाएंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फोटोपीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन और सीड डोरमेंसी। हाँ जी, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि फिर वीडियो लंबी बन जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फोटोपीरियोडिज्म के साथ। तो भी हमने पढ़ा था पीजीआरएस के बारे में, हमने पढ़े थे पांचों के पांचों, जितने भी पीजीआरएस हमने वो डिस्कस कर लिए, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो अब हम डिस्कस करें फोटोपीरियोडिज्म। देखो, फोटोपीरियोडिज्म को समझने से पहले इसके बारे में आपको अगर बताऊं तो वही एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनको रिक्वायरमेंट होती है एक पीरियोडिक एक्सपोजर। पीरियोडिक एक्सपोजर मतलब वो डे है या फिर लाइट ड्यूरेशन है, मतलब वो डिपेंडेंट होते हैं ऑन द लाइट एंड डे ड्यूरेशन, मतलब फोटो पीरियड्स एक्सपोजर पे वो डिपेंड होते हैं। और अगर वो प्लांट्स किस पे डिपेंड होते हैं, लाइट या फिर डार्क ड्यूरेशन होगी, मतलब फोटो पीरियड एक्सपोजर पे वो डिपेंड होते हैं। क्यों डिपेंड होते हैं, किस लिए उनकी जरूरत डिपेंड करने की होती है। फ्लावरिंग जब वो प्रमोट करते हैं प्लांट्स, जब फ्लावरिंग प्रमोट होते हैं, मतलब फ्लावरिंग होती है तो भी फ्लावरिंग से जो फ्रूट बनते हैं, तो मतलब इन कंडीशंस में जब वो फ्लावरिंग करते हैं तो फ्लावरिंग किसके थ्रू करते हैं, उनके अंदर रिक्वायरमेंट होती है, ये फोटो पीरियोडिज्म उसी फिनोमिना को हम बोलते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो चलिए एक बार एनसीईआरटी से फटाफट कवर कर लेते हैं। सम प्लांट्स रिक्वायर्ड अ पीरियोडिक एक्सपोजर टू लाइट। कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनको एक पीरियोडिक एक्सपोजर चाहिए लाइट का, ठीक है, फ्लावरिंग को इंड्यूस करने के लिए। तो इसमें हम लिख सकते हैं सम प्लांट्स या फिर प्लांट्स नीड और रिक्वायर, क्या रिक्वायर करते हैं, ये जो प्लांट्स होते हैं वो क्या रिक्वायर करते हैं, उनको नीड होती है किसके, रिक्वायरमेंट होती है पीरियोडिक एक्सपोजर की, किसकी, पीरियोडिक लाइट की, ठीक है, फॉर फ्लावरिंग, ठीक है, फॉर फ्लावरिंग या फिर फॉर इंड्यूस फ्लावरिंग। क्लियर, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फोटो पीरियोडिज्म, इसको हम बोलते हैं। तो फोटो पीरियोडिज्म का अगर हम एग्जांपल देखें तो चलिए एक बार एनसीईआरटी से फटाफट पढ़ लेते हैं कि आई होप आपने एनसीईआरटी साथ में लेके बैठे हो गए आप, ठीक है, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भाई इसी के अंदर से हम कवर करेंगे, मैं हर बार आपको यही बोलती हूँ, ठीक है। तो चलिए, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट सम प्लांट्स रिक्वायर अ पीरियोडिक एक्सपोजर टू लाइट टू इंड्यूस फ्लावरिंग। फ्लावरिंग को इंड्यूस करने के लिए कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनको रिक्वायरमेंट होती है एक पीरियोडिक एक्सपोजर की लाइट की, तो उन्हीं को, इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं फोटो पीरियोडिज्म। इट ऑल्सो बी सीन दैट सच प्लांट्स आर एबल टू मेजर द ड्यूरेशन ऑफ, और कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि एक्सपोजर ऑफ लाइट की ड्यूरेशन को भी मेजर किया जाता है, ठीक है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे इसमें ही। एग्जाम्पल गिवन है आपको, सम प्लांट्स रिक्वायर द एक्सपोजर ऑफ लाइट फॉर पीरियोडिक एक्सीडिंग, ठीक है, अ वेल डिफाइंड क्रिटिकल ड्यूरेशन, मतलब प्लांट्स को किसकी रिक्वायरमेंट होती है एक वेल डिफाइंड क्रिटिकल ड्यूरेशन, मतलब इतनी उसको लाइट चाहिए, एक उनका फेज होता है क्रिटिकल ड्यूरेशन का, ठीक है, उस फेज से ज्यादा है, उस फेज से कम है या फिर डिपेंड नहीं करता, वो किस पे डिपेंड होते हैं वो देखो। वाइल द अदर मस्ट बी एक्सपोज टू लाइट फॉर ए पीरियड लेस देन दिस क्रिटिकल ड्यूरेशन बिफोर द फ्लावरिंग। देखो, फॉर्मल ग्रुप को तो हम क्या बोलेंगे, मतलब जो क्रिटिकल पीरियड से क्रिटिकल पीरियड ड्यूरेशन से अगर वो कम है, ठीक है, लाइट एक्सपोजर अगर क्रिटिकल पीरियड ड्यूरेशन से कम है, अगर वो बिलो द क्रिटिकल पीरियड है, अगर वो बिलो है क्रिटिकल पीरियड ऑफ ड्यूरेशन की, तो उसको हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट डे प्लांट्स, आपकी बुक में लॉन्ग डे प्लांट्स नहीं, हाँ सॉरी ज्यादा है, ये तो आपका होगा शॉर्ट डे प्लांट्स, मतलब ये फॉर्मल है, ठीक है, ये क्या है, फॉर्मल है। लेकिन जिनको क्रिटिकल डे से मतलब क्रिटिकल एक्सपोजर से कम चाहिए होती है, ठीक है,
मोर देन क्रिटिकल पीरियड वो क्या होंगे, लॉन्ग डे प्लांट्स। क्या होंगे वो, लॉन्ग डे प्लांट्स, मतलब उनको ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जितना क्रिटिकल फेज होता है, ठीक है, क्रिटिकल लेंथ एक मिनिमम फेज होता है, मतलब बीच का फेज होता है, ठीक है, मिड फेज होता है वो, ठीक है, मिनिमम नहीं, मिड फेज होता है। अगर उससे कम है तो वो शॉर्ट डे प्लांट्स है, अगर उससे ज्यादा है तो वो लॉन्ग डे प्लांट्स है, जिसको हम लेटर भी बोलते हैं, मतलब लेटर बाद वाले होते हैं, ठीक है, ज्यादा, ठीक है। तो लेटर वन टर्म्स है शॉर्ट डे प्लांट्स। क्रिटिकल ड्यूरेशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लांट। क्रिटिकल ड्यूरेशन अलग अलग प्लांट्स के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। देर आर मेनी ऑफ द प्लांट्स हाउ एवर विच देर इज नो सच कोरिलेशन, मतलब जिनके अंदर ये कोरिलेशन नहीं होता, ठीक है, हैव नो कोरिलेशन, हैव नो दिस टाइप ऑफ कोरिलेशन, जिनके अंदर ऐसा कुछ कोरिलेशन नहीं होता है, वो होते हैं आपके न्यूट्रल डे प्लांट्स। क्या होते हैं, या फिर ड्यू डे न्यूट्रल प्लांट्स, ठीक है, मतलब जिन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्रिटिकल लेंथ से वो ज्यादा ले रहे हैं, क्रिटिकल लेंथ से वो कम ले रहे हैं, कोई इफेक्ट उन पे नहीं पड़ता, इंडिपेंडेंट होते हैं इस चीज के, ठीक है। इट इज नाउ ऑल्सो नोन दैट नॉट ओनली द ड्यूरेशन ऑफ प्लांट पीरियड बट द ड्यूरेशन ऑफ डार्क पीरियड इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंस। ऐसा नहीं कि ओनली लाइट की ड्यूरेशन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डार्क ड्यूरेशन भी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी लाइट ड्यूरेशन है। और इसमें हम सिर्फ ये नहीं बताते फ्लावरिंग सर्टेन प्लांट्स किस पर डिपेंड करती है, बेटा कॉम्बिनेशन पे तो डिपेंड करती ही है, ठीक है। लाइट रिएक्शन के बीच, मतलब लाइट ड्यूरेशन और डार्क ड्यूरेशन जो हमें चाहिए होती है प्लांट्स में, उनमें उनका कॉम्बिनेशन दिखाने के लिए तो ये इंपॉर्टेंट होती है, बट ये ओनली कॉम्बिनेशन भी नहीं दिखाती है। इसमें लिखा हुआ है इट ऑल्सो एक्सपोजर, मतलब उसके रिलेटिव ड्यूरेशन के बारे में भी आपको ये बताती है, ये जानकारी देती है आपको। कॉम्बिनेशन तो हमें डिस्कस करती है, ठीक है, कॉम्बिनेशन के बारे में भी बताती है, लेकिन जो रिलेटिव ड्यूरेशन होती है इनके बीच में, उसके बारे में भी हमें बताती है। दिस रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू द पीरियड, ये जो रिस्पॉन्स होता है प्लांट्स प्लांट्स के पीरियड का, डे टाइम हो या नाइट का हो, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फोटो पीरियडिज्म, क्लियर। इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू नोट दैट व्हाइल शूट एपाइसिस मॉडिफाइज देमसेल्फ इनटू फ्लावरिंग एपाइसिस प्रियर टू फ्लावरिंग दे शूट अपाइसिस ऑफ द प्लांट्स बाय देमसेल्फ कैन नॉट प्रिसीव फोटो पीरियड्स। शूट अपाइसिस होते हैं वो खुद ही अपना फोटो पीरियड प्रिसीव नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए साइट ऑफ द परसेप्शन ऑफ द लाइट एंड डार्क रिएक्शन, अब कुछ साइट होंगे परसेप्शन की लाइट और डार्क में, है ना, तो वो क्या है लाइट और डार्क ड्यूरेशन की, वो कहाँ होती है, वो कौन सी साइट होती है जहां पर, आपको पता है फोटोसिंथेसिस मेनली अक्कर कहाँ होती है, लीव्स में होते हैं ना, लीव्स का पार्ट ही तो लेते हैं हम क्लोरोफिल, उसके फिर अंदर क्लोरोप्लास्ट थाइलोकोइड ग्रेना, इसे भी लीव्स का ही पार्ट होता है। तो भाई ये जो मेन साइट होती है इनकी लाइट और डार्क ड्यूरेशन की, कौन सी साइट होती है जो इनको परसेप्ट करती है, विच इज योर लीफ, लीफ पे होती है, लीव्स पे। इट हैज बीन हाइपोथाइज दैट देयर इज एन हार्मोनल सब्सटेंस, ये बताया गया है यहाँ पर, ये मतलब यहाँ पर आपको बताया गया है कि यहाँ पर एक हार्मोनल सब्सटेंस भी होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लावरिंग के लिए, ठीक है। दिस हार्मोनल सब्सटेंस माइग्रेट्स फ्रॉम द लीव्स टू शूट अपाइसिस, लीव से ये कहाँ जाता है, शूट अपाइसिस, मतलब शूट की तरफ जाता है ये हार्मोन, ठीक है, फॉर इंड्यूसिंग द फ्लावरिंग, फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। व्हेन द प्लांट्स आर एक्सपोज टू नेसेसरी इंडक्टिव फोटो पीरियड, जब प्लांट्स एक नेसेसरी फोटो पीरियड में क्या हो जाते हैं, इंड्यूस हो जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं, उस टाइम पे ये हार्मोन क्या करता है, लीव्स, सॉरी हाँ, तो ये उस टाइम पे हार्मोन क्या करता है, हाइपोथाइज करता है ये हार्मोन, और माइग्रेट कर देता है लीव्स से शूट अपाइसिस तक, ठीक है। तो ये जो पूरी प्रोसेस थी इसको हम बोलते हैं फोटो पीरियडिज्म, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारी जो आती है वो है वर्नलाइजेशन, नेक्स्ट हमारी आती है वर्नलाइजेशन। इसमें जैसे कि आपको फ्लावरिंग प्रमोट करने के लिए, जैसे कि आपको एक फोटो पीरियड की एक्सपोजर होती है, ऐसे ही इसमें जो डिपेंड होता है वो लो टेम्परेचर चाहिए होता है, लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर फ्लावरिंग, मतलब फ्लावरिंग के लिए लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आपको फोटो पीरियड एक्सपोजर की रिक्वायरमेंट थी, ऐसे ही आपको लो टेम्परेचर की भी रिक्वायरमेंट है। देखिए चलिए बुक में से पढ़ते हैं,
देर आर प्लांट्स फॉर विच फ्लावरिंग इज आइदर क्वांटिटेटिवली भी है क्वालिटेटिवली है, क्या क्वालिटी है फिर कितनी क्वांटिटी है उसमें, ठीक है, डिपेंडेंट करती है कि वो टेम्परेचर कितना कम एक्सपोज कर रहा है, ठीक है, कितना कम टेम्परेचर ऑफ एक्सपोजर वो ले रहा है. दिस फिनोमिना इज टर्म्ड एज वर्नलाइजेशन. इट प्रिवेंट प्रिक्यूशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट इन द, मतलब अर्ली रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट को ये कम मतलब बचा के रखता है, इनहिबिट करता है, एक तरह से रोकता है, ठीक है, प्रिवेंट करता है अर्ली रिप्रोडक्टिव, प्रिक्यूसिस का मतलब यहाँ पर अर्ली रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट इन द ग्रोइंग सीजन एनेबल्स द प्लांट्स, जो ग्रोइंग सीजन मतलब जो उसका सीजन ग्रो करने का होता है उस सीजन से अगर वो लेट हो जाती है तो वो क्या होती है, एनेबल्स द प्लांट्स टू हैव सफिशियंट टाइम टू रीच द मैच्योरिटी. तो उस प्लांट्स के लिए बहुत डिफिकल्टी हो जाती है मैच्योरिटी पीरियड तक रीच करने के लिए, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी रहती है, भी मैच्योरिटी आएगी तभी वो कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करेगा, तो ये सब चीजों में डिफिकल्टी आ जाती है. तो इसीलिए वर्नलाइजेशन की एप्लीकेशन दी जाती है. तो वर्नलाइजेशन रेफर्स टू स्पेशली टू द प्रमोशन ऑफ द फ्लावरिंग बाय पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर, ठीक है, फ्लावर को प्रमोट करता है, बट कब करता है, अगर टेम्परेचर हमने लो लिया है. अगर हम टेम्परेचर हाई लेंगे तो प्लांट्स जो होंगे वो मतलब एंजाइम्स जो होंगे वो डीनेचर हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो टेम्परेचर क्या लेते हैं, कम ही टेम्परेचर लेते हैं, वो हमने फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, ठीक है. चलिए, सम इंपॉर्टेंट फूड्स, वीट हो गए, बार्ली हो गए, राई हो गए, इनमें दो काइंड की वैरायटीज होती है, ठीक है, जैसे कि विंटर भी हो गई और स्प्रिंग वैरायटी हो गई. स्प्रिंग वैरायटी आर नॉर्मली प्लांटेड इन द स्प्रिंग. स्प्रिंग वैरायटी कहां कब प्लांटेड होगी, स्प्रिंग में ही प्लांटेड होगी, ठीक है. ओके, कम टू द फ्लावर एंड प्रोड्यूस ग्रेन बिफोर द एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन. अगले सीजन में जब नेक्स्ट ग्रो उनकी होती है उसके ग्रो होने से पहले ही उनको काट लिया जाता है, फ्लावरिंग आ जाती है, फ्रूटिंग आ जाती है, ठीक है. अगले पेड़ जब वो ग्रो करते हैं उससे पहले ही उनको उनको क्या कर लिया जाता है, एंड प्रोडक्ट मिल जाता है. ओके, विंटर वैरायटीज, अब बात आती है विंटर वैरायटीज. हाउएवर इफ द प्लांटेड इन स्प्रिंग वुड नॉर्मली फेल टू फ्लावर. देखो, अगर हम विंटर की वैरायटीज को स्प्रिंग सीजन में अगर हम प्लांटेड कर देंगे तो वो एक तो बात है वो प्लांटेड नहीं होंगी, ठीक है, हमें फ्लावरिंग नहीं मिलेगी, ठीक है. तो मतलब ये डिपेंड करता है कि विंटर को विंटर में ही और स्प्रिंग को स्प्रिंग में ही, समर को समर में ही, ऐसे ही इनकी चलती रहती है, ठीक है. और ग्रोइंग सीजन से पहले ही हमें क्या मिल जाता है, एंड मिल जाता है उनका. हेंस दे आर प्लांटेड इन द ऑटम, तो इसलिए वो ऑटम में प्लांटेड की जाती है. दे जर्मिनेट एंड ओवर विंटर कम्स आउट एज सम सीडलिंग्स रिज्यूम ग्रोथ इन स्प्रिंग एंड आर हार्वेस्टेड यूजली अराउंड मिड समर. और कई बार वो क्या करते हैं, मिड समर में भी उनको हार्वेस्टिंग करी जाती है उनकी. अनदर एग्जाम्पल ऑफ वर्नलाइजेशन जैसे कि आपको दिया गया है बाइनियल प्लांट्स. बाइनियल प्लांट्स में क्या होते हैं, इसकी एक लाइफ साइकिल ऐसी होती है कि दो साल में ये एक ही बार प्रोड्यूस करता है, ठीक है, दो साल में वंस अ लाइफ टाइम वो एक ही बार प्रोड्यूस करता है ये बाइनियल प्लांट्स, ठीक है. बाइनियल प्लांट्स आर मोनोकार्पिक प्लांट्स होते हैं दैट नॉर्मली फ्लावर एंड डाई इन द सेकेंड सीजन, दूसरे ही सीजन में वो फ्लावरिंग कर देते हैं और फिर वो मर भी जाते हैं, मतलब नेक्स्ट फिर वो फ्लावरिंग नहीं करते, लाइफ टाइम में वो एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं, मतलब प्रोडक्शन दिखाते हैं वो एक ही बार लाइफ टाइम में, ठीक है. जैसे कि शुगर बीट, कैबेज, कैरेट आर द सम ऑफ द कॉमन बाइनियल्स. ये कुछ कॉमन बाइनियल्स हैं जैसे कि शुगर बीट हो गई, कैबेज हो गई, कैरेट हो गई. सब्जेक्टिंग द ग्रोइंग ऑफ द बाइनियल प्लांट्स टू कोल्ड ट्रीटमेंट स्टिमुलेट्स अ सब्सिक्वेंट फोटोपीरियोडिक फ्लावरिंग रिस्पॉन्स. लेकिन जब हम उनको कोल्ड ट्रीटमेंट दी जाती है, अब देखो हमें पता चलता है कि कई बार हम क्या करते हैं, विंटर की वैरायटीज को अगर हम विंटर की वैरायटीज को स्प्रिंग सीजन में बो दें तो वो प्लांटेड नहीं करेंगे, ठीक है, वो प्लांटेड नहीं करेंगे क्योंकि उनको क्या चाहिए थी, कोल्ड ट्रीटमेंट चाहिए थी जो उनको नहीं मिली. अगर उनको कोल्ड ट्रीटमेंट, उनके रिक्वायरमेंट की ट्रीटमेंट उनको नहीं मिलेगी तो वो फ्लावरिंग को प्रमोट नहीं करेंगे. तो इसीलिए इन सब चीजों के लिए वर्नलाइजेशन की एप्लीकेशन दी जाती है. टेम्परेचर इसमें हमेशा लो रहता है, क्लियर. यहाँ पर आपको एग्जांपल के तौर पे समझाया गया है कि विंटर में विंटर होगी और समर में समर की, स्प्रिंग में स्प्रिंग की होगी. मतलब ऐसे ही अगर हम दूसरे सीजन वाले में दूसरी वैरायटी के सीजन, जो वैरायटीज दूसरे सीजन में बोई जाती है उनको हम समर सीजन में या फिर दूसरे सीजन में बो देंगे तो वो क्या करेंगे, प्लांटेड शो नहीं करेंगे क्योंकि उनको उनके रिलेटिव ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है. तो वर्नलाइजेशन क्लियर हो गया. नेक्स्ट आपका लास्ट टॉपिक आता है विच इज योर सीड डोरमेंसी. और सीड डोरमेंसी छोटा सा टॉपिक है, जल्दी हो जाएगा.
सीड डोरमेंसी क्या होती है, जब सीड अपियर नहीं होती है सीडलिंग से, सीडलिंग से जब सीड अपियर नहीं होती है तो वो प्रॉपर्टी क्या शो करती है, सीड की डोरमेंसी को ही शो करती है। जब सीड प्रोड्यूस नहीं होती है मतलब अपियर नहीं होती है सीडलिंग से तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीड की डोरमेंसी है। चलिए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी से। देयर आर द सर्टेन सीड विच फेल टू जर्मिनेट इवन वेन एक्सटर्नल कंडीशन आर फेवरेबल। कई बार क्या होती है जो सीड होते हैं वो जर्मिनेशन नहीं दिखाती है, अगर उनको फेवरेबल कंडीशन भी दे दे फिर भी वो जर्मिनेशन नहीं दिखाती है तो हम क्या कर रहे हैं, सीड डोरमेंसी। सीड डू नॉट जर्मिनेट, ठीक है, जो सीड होती है वो जर्मिनेट नहीं करती है इवन ऑल्सो इन द फेवरेबल कंडीशन, इवन अगर उनको हम फेवरेबल कंडीशन दे दे फिर भी वो सीड की जर्मिनेशन नहीं दिखाती है, ठीक है, तो वो क्या चीज हो रही है वहां पर, सीड की डोरमेंसी हो रही है, ठीक है। चलिए, देर आर द सर्टेन सीड्स विच फेल टू जर्मिनेट इवन वेन एक्सटर्नल कंडीशन आर फेवरेबल। कई बार क्या करते हैं सीड जर्मिनेट नहीं होती है चाहे उनको फेवरेबल कंडीशन दे जाए फिर भी नहीं होती है। सच सीड्स आर अंडरस्टूड टू बी अंडर गोइंग अ पीरियड ऑफ डोरमेंसी। इससे हमें पता चलता है वो कौन से पीरियड में फेस कर रही है, वो कौन से पीरियड में चल रही है, दैट इज योर डोरमेंसी विच इज कंट्रोल नॉट बाय एक्सटर्नल एनवायरमेंट। वो बाहर के एनवायरमेंट से कंट्रोल नहीं होगा, मतलब फेवरेबल कंडीशन मतलब विंटर उनको कोल्ड ट्रीटमेंट कितनी दे दी, समर की ट्रीटमेंट कितनी दे, वो उस पर डिपेंड नहीं करती, मतलब एक्सटर्नल बाहर के जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उनसे वो ठीक नहीं होती है, ठीक है, बट आर अंडर एंडोजीनियस कंट्रोल, ठीक है, उनका एनाटोमी टाइप कंट्रोल होता है, उनका मोर्फोलॉजिकल कंट्रोल नहीं होता, बाहर से उनका एक्सटर्नली टाइप कंट्रोल नहीं होता है, ना वो ट्रीट होती है एक्सटर्नली विद इन द सीड इटसेल्फ। वो सीड मतलब उसके अंदर ही वो कुछ कमी होती है कि वो जर्मिनेट नहीं कर पाती है, कुछ फेवरेबल कंडीशन दी जाती है फिर भी अगर वो जर्मिनेट नहीं कर रही है तो उनका बाहर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी जो अंडरगोन प्रॉब्लम है विच इज इन देयर सीड, सीड के अंदर ही होती है वो। इम्परमिएबल एंड हार्ड सीड कोट, प्रेजेंस ऑफ द केमिकल इनहिबिटर्स, कुछ उनके अंदर केमिकल इनहिबिटर भी प्रेजेंट हो जाते हैं कई बार, जो उनको क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, उनकी जर्मिनेशन को इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है, और इनहिबिटर का काम भी होता है स्टॉप कर देना किसी चीज को, तो वो इनहिबिटर कौन सी है, एब्सिसिक एसिड एक तरह का इनहिबिटर है, फिनोलिक एसिड भी एक तरह का इनहिबिटर है, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड, ये नाम आपको गिवन है ये आपको पता होने चाहिए कि कौन से ऐसे जो इनहिबिटर्स होते हैं जो सीड की जर्मिनेशन में रुकावट लाते हैं, मतलब इनहिबिटर तो रुकावट तो लाएंगे, तो नाम पता होने चाहिए, एब्सिसिक एसिड हो गया, ठीक है, फिनोलिक एसिड हो गया, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, ठीक है, एंड इमेच्योर एम्ब्रियोज, जो मेच्योर इमेच्योर एम्ब्रियोज हैं वो भी एक तरह के इनहिबिट का ही काम करते हैं। आर द सम ऑफ द रीजंस व्हिच कॉजेस सीड डोरमेंसी, ये कुछ रीजन आपको गिवन है जो सीड डोरमेंसी को कॉज करते हैं, करवाते हैं, मतलब सीड डोरमेंसी को करवाते हैं, सीड की जर्मिनेशन को नहीं होने देते। दिस डोरमेंसी हाउ एवर कैन बी ओवरकम थ्रू द नेचुरल मीन्स, ये डोरमेंसी कई बार नेचुरली भी ठीक हो जाती है, ओवरकम हो जाती है, ठीक है, नेचुरली इसको हम ओवरकम कर सकते हैं। वेरियस अदर मैन मेड मेजर्स, मतलब बहुत सारी ये नेचुरली भी ठीक हो जाती है, और मैन मेड जो सब्सटेंसेस, आजकल तो बहुत सारी चीजें आ गई है ना, तो मैन मेड भी कई बार इन पे लग जाते हैं कुछ चीजें जिनसे सीड की जर्मिनेशन दोबारा स्टार्ट हो जाती है, या फिर कुछ नेचुरली भी ठीक खुद भी नेचुरली ठीक हो जाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल आपको गिवन है, सीड कोट बैरियर इन सम सीड्स कैन बी ब्रोकन बाय मैकेनिकल एब्रेशंस यूजिंग नाइव्स सैंड पेपर एक्सेट्रा और विग्रस शेकिंग। ये आपको एग्जाम्पल गिवन है, ये आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए कि सीड डोरमेंसी नेचुरली अगर वो कर रहे हैं तो कोई एग्जाम्पल दो वो कैसे कर सकते हैं, फिर मैन मेड है तो वो कैसे है, ठीक है। नेचर में दीज एब्रेशंस आर कॉज्ड बाय माइक्रोबियल एक्शंस, माइक्रोबियल एक्शन से ये एब्रेशंस होते हैं, ठीक है, नेचर में ही होते हैं, ये आर्टिफिशियली नहीं है, ठीक है, मतलब मैनमेड नहीं है, दिस आर द नेचुरल। एंड पैसेज थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ प्लांट्स, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है एनिमल्स में, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है एनिमल्स में, ठीक है, उनको भी क्या, उनसे भी क्या हो जाती है, ये कॉज हो जाती है।
ठीक है, माइक्रोबियल एक्शन से कॉज होती है। एक तो पैसेज थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ द एनिमल, डाइजेस्टिव ट्रैक होता है ना एनिमल्स में, उनका जो पैसेज होता है मतलब पाथवे जो उनका होता है उसमें भी क्या करती है वो कॉज हो जाती है। इफेक्ट ऑफ इनहिबिटरी सब्सटेंसेस कैन बी रिमूव्ड बाय सब्जेक्टिंग द, ये आपको लास्ट की जो थर्ड या फोर्थ लाइन आपको गिवन है नीचे तक, ये आपको पूरा रिमूव्ड ऑफ इफेक्ट ऑफ इनहिबिटरी सब्सटेंस, ये इनहिबिट सब्सटेंस जो लग जाते हैं इनके इफेक्ट हम कैसे रिमूव कर सकते हैं वो आपको गिवन है यहाँ पर सारा। ठीक है, इफेक्ट ऑफ इनहिबिटरी सब्सटेंस कैन बी रिमूव्ड बाय सब्जेक्टिंग द सीड टू चिलिंग कंडीशन, सीड को हम कुछ चिलिंग कंडीशन में रख दें तो भी वो डोरमेंसी हट जाती है, और बाय एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन केमिकल्स या फिर उनको जिब्रिलिक एसिड, आपने पढ़ा था ना केमिकल जिब्रिलिक जो क्या कर देता है, जिब्रिलिक का बहुत सारा काम होता है ना, जैसे कि ग्रेप्स के स्ट्रोक की लेंथ बढ़ा देता है, शेप्स को करता है, बोल्टिंग प्रोसेस करता है, स्पीड अप करता है माल्टिंग प्रोसेस को, है ना, बहुत सारे काम होते हैं जिब्रेली के। तो जिब्रेली की एप्लीकेशन भी अगर हम इसमें दे देते हैं डोरमेंसी रुक जाती है सीड की, मतलब जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, एंड एसिड भी हो गए बहुत सारे, नाइट्रेट्स। ठीक है, चेंजिंग द एनवायरमेंटल कंडीशन सच एज लाइट एंड टेम्परेचर और अदर मेथड टू ओवरकम सीड डोरमेंसी, कई बार आप फेवरेबल कंडीशंस जब चेंज कर देते हो फिर भी सीड की डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी करती है मतलब सीड की जर्मिनेशन नहीं होती है, तो उसमें आप इन्वायरमेंटल कंडीशंस को, इफ यू चेंज द इन्वायरमेंटल कंडीशंस जैसे कि लाइट की इफेक्ट चेंज कर दिया, लाइट कम कर दिया, लाइट ज्यादा कर दी, टेम्परेचर को हमने कम कर दिया, और बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो सीड डोरमेंसी को ओवरकम करते हैं। ठीक है, तो ये थे आज की वीडियो के लास्ट टॉपिक्स, फोटोपीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन एंड सीड डोरमेंसी। इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो गया है, तो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड ऑफ अवर बायोलॉजी। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा, समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, और अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाउट जरूर बताया करो ताकि हम आपके नेक्स्ट वीडियो में डाउट क्लास भी आपकी ले सके। एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास आने वाले नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आ सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।